गुरु नानक मिशन मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ढाहां कलेरां दे बानी प्रधान बाबा बुद्ध सिंह ढाहां दी चौथी वर्सी पूरी श्रद्धा ते भावना नाल मनाई गई। इस मौके बाबा बुद्ध सिंह ढाहां ट्रोमा सेंटर विखे होए श्रद्धांजलि समागम विच समूह ट्रस्ट प्रबंधकां मैंबरां अते इलाका वासियां तों इलावा ट्रस्ट दे समूह अदारियां दे स्टाफ वल्लों बाबा बुद्ध सिंह ढाहां नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई। समागम विच ट्रस्ट दे मौजूदा प्रधान हरदेव सिंह कामा ने भी बाबा बुद्ध सिंह ढाहां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करदिआं बाबा बुद्ध सिंह ढाहां ने ढाहां कलेरां विखे कलरी धरती दे सांझे उदमां नाल वधिया मैडिकल अते विद्यक संस्थावां दी स्थापना करके एक नवा इतिहास सिरजा सी। जबकि होरनां बुलारिआं ने भी बाबा बुद्ध सिंह ढाहां दी जीवनी ते चानणा पाउंदे होए उन्हां वल्लों देखे सुपने नूं पूरा करन दा आश्वासन दिता। साडा प्रोग्राम सिर्फ यही आ, ये जिहड़ी बच्चों दी छोटी छोटिया बीमारियां होंदियां खास करके गर्मियों मौसम आ रहा ये बच्चों छोटे बच्चों काफ़ी इहो जिहियां प्रॉब्लम आई नहीं जिहड़ियां कि माँ बाप नैगलैक्ट कर देंदे आ किसी कंपीटेंट डॉक्टर को लैके नहीं जाते तो अगे जा के कुछ सीरीयस प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ये लोगों आले दे इलाके अवेयर करना कि साढ़े को बहुत लायक डॉक्टर बच्चों की बीमारी वास्ते हैगा इतने आन और वध तो वध इहदा लाभ उठा और साडा तां इस ट्रस्ट का मकसद यही हुंदा असीं अक्सर कई कैंप लगाते रहने ये हुंदा कि आले दुआले के इलाक नूं जिन्ने साडे पिंड है इत्थे तक बहुत एरिया तक बहुत साढ़े को दूर दूरों आते हैं वध तो वध लाभ उठा सकन। ट्रस्ट के बानी प्रधान बाबा बुद्ध सिंह जी ढाहां जी की चौथी बरसी के संबंध में अज इत्थे एकत्र होए हां। अज उन्हां नूं समुचा ट्रस्ट स्टाफ अते विद्यार्थियों ने उन्हां नूं श्रद्धा के फुल भेट किए। जो उन्हां दे सुपने सन वो काफ़ी सारे पूरे भी होए आ ते जिहड़े अधूरे सुपने आ उन्हां नूं समुचा ट्रस्ट रल के पूरे करन दी हमेशा कोशिश करदा आ। असीं परमात्मा दे चरणां विच अरदास करदे हां कि वाहिगुरू उन्हां नूं अपने चरणों में निवास बख्शे अते सानू उन्हां दे कदमां ते चलण दी बल बख्शे। इस दौरान बाबा बुद्ध सिंह ढाहां दी याद भी दो मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके वड्डी गिणती भी संगतां ने भी अपने श्रद्धा के फुल भेंट किए। समागम के अंत में प्रबंधकों वल्लों गुरु जी का लंगर अटुट वरताया गया। इत्थे असीं हुण कैंप शुरू किया है बच्चों का जो कि खास करके नवें जन्मे बच्चे तो लैके 16 साल की उम्र तक के बच्चों नूं असीं उन्हां दी हर तरह की बीमारियों का इलाज उन्होंने देखना इतने असी कैंप विच करना ही है। स्क्रीनिंग है और इतने बच्चों की जी इन्वेस्टिगेशन होनगियां जाएगियां उस हिसाब न बीमारी हिसाब न दवाई दी जाएगी और ये कैंप तकरीबन 15 दिन का असी कैंप इतने प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा। सो अज की तरीक तो लैके 5 मई तक ये कैंप चलेगा। सो जिद हर बीमारी का हर तरह के डिजीज़ का चाइल्डहुड डिजीज़ से आप देख रहे हैं और इस टाइम तो इस पर्टिकुलर महीने के बहुत सारे एलर्जी के बच्चे आ रहे हैं खास करके दमे के जिन्होंने ऑलरेडी दमे की शिकायत है उन्होंने आ वाढ़िया होने करके अप्रैल के महीने बहुत ज़्यादा साह की दिक्कत आ रही है और उन्होंने खास करके होंगे है कि उन्होंने एलर्जी तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पैंता है और ये बच्चे बिल्कुल रुक के साह की प्रॉब्लम नाल काफ़ी आ रहे हैं। अच्छा पीलिए के केसिस नवांशहर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इतकी थोड़े हैपेटाइटिस ए दे टाइफॉइड दे आ मौसम इस तरह का है ये केसिस सानू देखने को मिलते हैं पर जे पानी साफ सुथरा हो गए बच्चे हाथ अपने वॉश करन ते बाहरलियां चीज़ा ना खान ते फिर ये चीज़ बचाई जा सकती है बीमारी।